बीजेपी के शासन वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदुत्व ग्रुप बजरंग दल के कम 100 कार्यकर्ता एक निजी अपार्टमेंट में घुसे और एक फ्लैट में जन्मदिन की पार्टी मना रहे 5 मुसलमान छात्रों को बेरहमी से पीटा। इन छात्रों के साथ उनकी हिंदू दोस्त भी मौजूद थी। हमलावरों का आरोप है कि यह मामला लव जिहाद का है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मुस्लिम छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में ही एक दूसरा मामला तब सामने आया जब फिल्म पठान का विरोध कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए और हंगामा भी किया। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुस्लिम समाज एकजुट हो गया। उन्होंने थाने का घेराव कर बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इलाके में तनाव बढ़ता देख पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तुमने मुस्लिम राष्ट्र बनाया, तो मैंने हिंदुओं को पूछा था। भारत में हिंदुत्व ग्रुप के त्रिशूल वितरण कार्यक्रम में एकदम से तेजी आई है। नया मामला है बीजेपी शासित गुजरात के अहमदाबाद का। इस कार्यक्रम के दौरान हिंदुत्व ग्रुप के नेता ने साफ साफ कहा कि चाहे जो हो, इस देश को हर हाल में हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस मौके पर कम से कम 1000 लोगों को त्रिशूल दीक्षा दी गई और उन्हें हिंदू राष्ट्र के लिए काम करने की शपथ भी दिलाई गई। बिहार के वैशाली जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को दिन दहाड़े खूब पीटा। गुंडों ने पिटाई करते हुए वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर बाकायदा रिलीज किया। वायरल वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि एक महिला जब बीच बचाव के लिए आती है तो गुंडे उसको भी धक्का देते हैं। गुंडे बार बार कह रहे हैं, जो हमारे श्रीराम के खिलाफ बोलेगा हम उसको बर्बाद कर देंगे। अल्लाह ना करे, आज वो छोड़ दीजिए ना, सकरो माफ करता है।